हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विभास लाइव। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम लोग भी अच्छे हैं। आज है खाने में सब्जी रोटी। अभी सुबह के 5 बज रहा है तो हम सब्जी बना रहे हैं आज, आलू बैंगन का भुजिया। उसमें कलौंजी मसाला डालेंगे। तो अभी हम आलू काट रहे हैं। आप लोगों को पता है मेरे यहाँ मॉर्निंग ड्यूटी अभी चल रहा है, इसलिए सुबह सुबह ही खाना बनाना पड़ता है। तो सुबह में रोटी सब्जी बना देते हैं, फिर उसके बाद दोपहर में चावल दाल या जो भी सब खाते हैं बच्चे लोग, जो भी बोले वो बना देते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में लास्ट में एक आप लोगों से पहेली पूछे हैं। प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और मेरे पहेली का ज़रूर जवाब दीजिएगा। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए और मेरी पहेली का जवाब दीजिए। और ये देखिए, हम कढ़ाई में तेल के बाद आज मेथी का फ़ौरन डाले हैं। मेथी, मिर्चा, हींग और उसमें आलू डाल दिए हैं और फ्राई होता रहेगा आलू। उसके बाद बैंगन डाल देंगे चीर के, और नमक, हल्दी और थोड़ा सा इसमें ये सूखा लहसुन कूट के डाल देंगे। लहसुन के बिना सब्जी में कोई भी सब्जी हो जान नहीं आता। लहसुन डाल दीजिए तो स्वाद बढ़ जाता है। तो अभी इसको ढक के रख देंगे। अब आटा गूँथ लेंगे हम, और आटा गूँथते गूँथते इसको भी चलाते रहेंगे क्योंकि पानी तो डालने नहीं है। आलू बैंगन है, तेल के सहारे ही पकेगा। बैंगन वैसे भी गलने में बैंगन को टाइम नहीं लगता, आलू को ही जो थोड़ा बड़ा पकने में टाइम लगता है वहीं। अभी देखिए, अब मेरा आधा सब्जी पक चुका है तो इसमें हम डाल रहे हैं अभी कलौंजी मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा ये जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसमें लाल मिर्च पाउडर। हरा मिर्च तो डाले हैं लेकिन लाल मिर्च पाउडर डालने से थोड़ा सा और सब्ज़ी चटपटा हो जाएगा, तीखा अच्छा लगता है ज़्यादा। हम लोग ज़्यादा तीखा थोड़ा सा खाते हैं, अब एकदम भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी तीखा रहता है तो अच्छा लगता है। अभी इसको फिर से ढक के, अभी पका नहीं है पूरी तरीके से, तो इसको इस चूल्हे पे रख देंगे। उसके बाद उस पर रोटी बना लेंगे, ऐसे जल्दी होता है। और सब्जी भी चलाते रहेंगे, रोटी भी बनाते रहेंगे, मेरा दोनों हो जाएगा काम। अभी मेरा खाना बन गया, अब हम टिफ़िन लगा रहे हैं और रोटी, थोड़ा थोड़ा रोटी में घी लगा दे रहे हैं क्योंकि ऐसे प्लेन रोटी तो दिया नहीं जाता है। और सब्जी, रोटी, गुजिया दे दे रहे हैं और पापड़, ये है आज टिफ़िन में। सुबह का काम बहुत जल्दी जल्दी सब हो जाता है, एकदम एक ही पर काम पड़ जाता है, पानी भी आ जाता है और इधर खाना, टिफ़िन। और ये देखिए, अब चले गए हैं, झाड़ू पोछा भी हम कर लिए हैं। अब होली का इन लोग का कपड़ा भी धुलना बाकी है तो वो आज हम कहीं धुल लें। ये देखिए, ये है बड़के का, बिट्टू का शर्ट पैंट। ये है कि कलर नहीं खेले हैं सब, अबीर से ही इस साल पूरा सब होली अबीर से ही हुआ है, कलर नहीं लगा है, इसलिए कपड़ा ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं है धुलने में, धुला जाएगा। ये देखिए, ये है छोटका का पैंट। ये देखिए, ये इन लोग फिर शाम को सफ़ेद पहन के चले गए। ये देखिए, ये है किट्टू का शर्ट, ये सुबह में पहन के आता, इसका पते नहीं लग रहा है किधर किधर से सब फाड़े हैं। एकदम नया शर्ट पहन के गया था ये, एकदम बढ़िया शर्ट था, उसको बोले थे टी शर्ट पहन के जाओ, नहीं दी। ये देखिए, पूरा फाड़ के आया है, एकदम अजीब तरीके से सब फाड़े हैं कि ये पोछा के सिवाय और कोई काम में नहीं आ सकता। ये बटन देखिए, बटन का काज पता नहीं कैसे सब फाड़े हैं, पूरा काज नोचा गया है एकदम आगे से, सामने से पूरा एकदम निछा गया है काज।
ये देखिए इसको भी धूल देते हैं, पोछा के काम में आएगा और ये किसी काम के लायक नहीं रह गया। कपड़ा मेरा आप देखिए धुला गया है पूरा। अब इसको धुल करके जो मोटा कपड़ा है जीन्स ये सब हम नीचे ले जा करके फैला देंगे। सूख तो जाएगा पीछे, धूप आने लगा है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ पे और कपड़ा है जो पतला पतला छोटा मोटा कपड़ा है उसको फैलाएंगे। बड़ा वाला जीन्स और शर्ट यहाँ पे फैला देंगे, अच्छे से धूप लग के सूख जाएगा और जल्दी सूख जाएगा। सूख तो जाता है वहाँ पे भी, लेकिन जगह भी नहीं है, कम है। अभी मेरा कपड़ा देखिए फैल गया, अब हम चल रहे हैं नहाएंगे। थक गए अब, कुछ देर यहाँ बैठ के हवा लेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद नहाएंगे। अभी 7:25 हो रहा है, अभी सब सोए हैं। किट्टू सोया है, बिट्टू सोया है, वो तो गए ड्यूटी। मेरा कपड़ा धुला गया है, मेरा काम हो गया, अब नहाना बाकी है। अब थोड़ा सा आराम कर लेंगे, हवा ले लेंगे, उसके बाद नहाएंगे। सुबह का हवा अच्छा लगता है बैठने में, यहाँ ठंडा ठंडा लगता है। अभी शाम का बज रहा है 5। हम सुबह में नहाए धुलाए खा के उसके बाद सो गए, फिर वीडियो एडिट करना था, वीडियो एडिट किए उसके बाद सो गए थे। अभी उठे हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद अब चल रहे हैं बाहर झाड़ू लगाने। आज का मौसम बहुत अजीब है, पूरा बादल बादल और बहुत हवा चल रहा है, बहुत पत्ता गिरा है, कचड़ा हुआ है, देखिए आप लोग ये देखिए मौसम और हवा बहुत चल रहा है और ये देखिए कचड़ा। आम का पत्ती, नीम का पत्ती पूरा गिरा हुआ है और नीचे से अभी कपड़ा भी उतारना है। चल रहे हैं अभी झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद कपड़ा भी ले आना है नीचे से। अभी मेरा सारा काम हो गया है, अब पानी भी दे दिए हैं गमले में और कपड़ा भी हम ले आ लिए, अब चल रहे हैं सब्जी काटेंगे। तो आज का था ये मेरा सुबह से शाम तक का ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नहीं किए हैं वो भी कर दें। और आज से हम आप लोगों से एक पहेली पूछेंगे वीडियो के लास्ट में। आज का पहेली है कि डूबते हुए को हर कोई बचाता है, जैसे इंसान डूबे चाहे जानवर डूबे, कोई भी डूबे, डूबता हुआ किसी को कोई देखता है तो तुरंत बचाने के लिए चला जाता है। तो एक ऐसा है जिसको डूबते हुए देखते तो सब हैं लेकिन बचाने कोई नहीं जाता, तो वो कौन है जिसको कि डूबते हुए हर कोई देखता है लेकिन बचाने कोई नहीं जाता। तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा प्लीज, देखते हैं कितना सही आंसर आता है। तो इसका आंसर दीजिएगा प्लीज, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पहेली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।